अलैकुम स्टूडेंट क्लास मैट्रिक, आपकी किताब सफ़ा नंबर 115 पर आप जो चैप्टर देख रहे हैं वो है सब्र व शुक्र और हमारी इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी। आइए जानते हैं सबसे पहले कि सब्र किसे कहते हैं और उसकी दीन इस्लाम में क्या अहमियत है। इसी के साथ साथ ये भी जानते हैं कि शुक्र से क्या मुराद है और शुक्र कितने तरीक़ों से अदा किया जाता है, इंसान अपने रब का शुक्र कैसे अदा करे। इन बातों के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इनकी तारीफ़ात पर गौर करें। सब्र के लुग़वी माना है रोकना और बर्दाश्त करना, यानी मुसीबत और बेकरारी और तकलीफ़ दे मराहिल में अपने नफ्स को काबू में रखना सब्र कहलाता है। इसी के साथ साथ इस्लामी एतबार से सब्र की तारीफ़ ये है कि इंसान मुश्किल और घबराहट के हालात में अपने नफ्स पर कंट्रोल रखते हुए साबित कदम रहते हुए इस्तेकामत के साथ परेशानी और मसाइब का मुकाबला करे, इस बात पर यकीन रखते हुए कि जो तकलीफ़ जो मुसीबत उसे पहुंची है वो रब ताला की तरफ से पहुंची है और रब ताला ही की ज़ात है जो उसे उस मुसीबत से निकालने वाली है। जब इंसान अपने दिल में ये ख्याल कायम करेगा कि जो मुसीबत उसे पहुंची है वो अल्लाह के इज़न से पहुंची है और अल्लाह के इज़न से ही टलनी है, तो वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से भी गुरेज करेगा। मिसाल के तौर पर अगर वो ये समझता है कि ये मुसीबत माज़ल्ला उसे अल्लाह के हुक्म से नहीं पहुंची, बल्कि किसी इंसानी वार के ज़रिए पहुंची है, तो वो इंसानों पर इल्ज़ामात लगाएगा या इसी तरीके से बहतान तराशी करेगा या हसद करेगा या कीना करेगा या मुख्तलिफ़ बुराइयों का शिकार होगा। लेकिन यही इंसान अगर इस बात पर पुख्ता यकीन रखेगा और यही बात हक है कि कोई मुसीबत कोई तकलीफ़ भी उसे अल्लाह के इरादे और इज़न के बग़ैर नहीं पहुंच सकती, तो वो उस मुसीबत में अल्लाह ताला से दुआ करके निकलने की कोशिश करेगा और अपने आप को शैतानी वसवसों से बचाएगा। सब्र करने के लिए मौजूद तालिबात ज़रूरी है कि इंसान मुनासिब वक्त का इंतज़ार करे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया था तो मक्के के लोग, वही मक्के के लोग जो आपको सादिक और अमीन के लकब से पुकारते थे, जब आपने दीन इस्लाम की तालीम उन्हें दी तो पूरा मक्का आपके लिए अजनबी बन गया, वो आपका दुश्मन हो गया। यहाँ तक कि ताइफ़ के लोगों ने आपको ऐज़ा पहुँचाया, यहाँ तक कि पत्थर बरसाने से भी बाज ना आए और आपको लहूलुहान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने उस मौके पर भी सब्र से काम लिया। आपने उन लोगों के लिए बदवा ना की बल्कि उन्हें दुआ दी। तो आप सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के सब्र से पूरा मक्का आज इस्लाम के नूर से मुनव्वर है। तो इससे साबित हुआ कि इंसानी ज़िंदगी में सब्र किस कदर ज़रूरी है। इंसान चाहे मुफ़रद हो या इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, दोनों सूरतों में उसके लिए सब्र इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो सब्र नहीं करेगा और जज्बात में आकर हालात पर काबू नहीं पाएगा तो वो इंतहाई परेशानियों का शिकार होता चला जाएगा। इसी तरह जब इंसान को कोई मुश्किल या तकलीफ़ पहुंचती है तो उसे चाहिए कि वो बेकरार ना हो, बेचैन ना हो, बल्कि खुदा का हुक्म समझे उस परेशानी को और ये ज़रूर समझे कि जो गम जो मुसीबत उसे लाहिक हुई है वो अल्लाह ताला की तरफ से हुई है और जो खुशी उसे पहुंचेगी इस मुसीबत पर सब्र करने के बदले में वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होगी और अल्लाह ताला किसी जान पर
उसकी जान किसी भी जान पर उसकी इस्तेताद से भरकर बोझ डालता ही नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि जो मुसीबत जो परेशानी आपको पहुंची है वो आपकी ताकत से भरकर हो? ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता है। इसी के साथ साथ मुश्किलात को खातिर में ना लाना, यानी कि अगर आप मुश्किलात पर काबू नहीं पाएंगे बल्कि मुश्किल को अपने ऊपर गामजन कर देंगे कि अपने ऊपर सवार कर लेंगे, तो मुश्किल आप पर काबिज़ हो जाएगी, आप मुश्किल पर काबिज़ नहीं होंगे। तो अच्छी और प्यारी बात यही है कि आप मुश्किल का मुकाबला करें, और मुश्किल का मुकाबला करते हुए मुश्किल को दूर करने के रास्ते तलाश करें, ना कि मुश्किल को अपने ऊपर सवार करते हुए बेबसी का मुजाहरा करें। ये वो वक्त होता है कि इंसान अपने रब के इंतहाई करीब होता है। आइए कुरान मजीद के आयत मुबारक के ज़रिए से सब्र के मुतालिक कुछ जानते हैं कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के बारे में कुरान मजीद में क्या फरमाता है। तो रब ताला सब्र करने वालों के बारे में कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह मास साबरीन सब्र करने वालों के साथ है। मौजिज़ तालिबात, इससे बड़ी क्या बात है कि रब ताला ख़ुद कुरान पाक में फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। जो इंसान सब्र करते हैं, लोगों से इंतकाम नहीं लेते, बदला नहीं लेते, मुआफ़ करते हैं, दरगुजर फरमाते हैं, मामलात को ठीक करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, आपस में रिश्तों और ताल्लुकात को जोड़ते हैं, कायम करते हैं, ऐसे लोगों का तो रब भी साथ देता है। जब तक हम दुनिया में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशी, गम, राहत, सुकून, हर चीज़ें शामिल होती हैं। हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है, कोई इंसान इस बात का दावा ही नहीं कर सकता कि उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशगवार लम्हात ही मैसर आते हैं। नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात और वाकियात भी होते हैं जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ़ और गम का सामना करना पड़ता है। ये वही मौका होता है जिसमें वो अपने रब के करीब होता है और अपने रब का साथ पाता है, सब्र करके अपने रब का साथ पाता है। ऐसे मौक़ों पर इंसान को चाहिए कि वो नमाज कायम करे, और नमाज तो वैसे भी कायम करनी चाहिए, यानी नवाफिल का एहतमाम करे, अपनी परेशानी को अपने रब के सामने पेश करे और अपने सारे मामलात अपने रब के सुपुर्द करे। अगर आपका दिल बेचैन है, आपके दिल को सुकून और करार नमाज ही में मिलेगा। खुद रब ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि सब्र और नमाज से काम लो, यानी ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। इसी के साथ साथ एक और जगह पर इरशाद फरमाता है रब ताला, सब्र करने वालों को उनकी मजदूरी बेहिसाब मिलेगी, यानी जो इंसान सब्र करता है उसे बेहिसाब मजदूरी दी जाएगी, बेहिसाब उसका अजर दिया जाएगा, बेहिसाब उसको सवाब दिया जाएगा। आइए इसी के साथ साथ जानते हैं कि हदीस मुबारक में सब्र के मुतालिक यानी सब्र करने वालों के लिए क्या खुशखबरियां हैं। हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे उस मोमिन बंदे की जजा जन्नत के सिवा और क्या है जिसका प्यारा मैंने दुनिया से उठा लिया और उसने सवाब की उम्मीद पर सब्र किया। यानी जब इंसान का कोई प्यारा, कोई रिश्तेदारों में से कोई ऐसा इंसान जो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, आप जानते हैं ये दुनिया आर्जी है, हमें भी इसमें हमेशा नहीं रहना, लेकिन जब कोई अजीज़ इस दुनिया से जाता है उस वक्त जो इंसान की कैफियत होती है वो नाकाबले बयान है। ऐसे मौक़ों पर जब इंसान सब्र करता है और उसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी, रज़ा, खुशनूरी समझता है और अपनी ज़बान पर कोई ऐसे कलिमात नहीं लाता जो अल्लाह ताला के लिए गैर मुनासिब हो और उसमें रब की नाफरमानी शामिल हो, तो ऐसे मौक़ों पर जब वो सब्र करता है, इंतहाई मुश्किल काम होता है, लेकिन जब बंदा मोमिन रब से मोहब्बत करते हुए सब्र करता है और उसे रब का हुक्म समझता है, तो रब भी इतना प्यारा उसे अजर नसीब फरमाता है कि उसे उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाता है। बाज़ हदीसों में ये भी आया है, और उसने सवाब की सिवा और किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं, यानी कि वो शख्स उसने सवाब की उम्मीद पर सब्र किया
तो उसके लिए जन्नत के सिवा तो कुछ है ही नहीं। इसी के साथ साथ एक और मौके पर हदीस मुबारक बयान की सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने कि सब्र का ईमान के साथ वही ताल्लुक है जो सर का जिस्म के साथ है। इसी के साथ आप जानते हैं कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने हमेशा आजमाइश और सब्र में अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इंतहाई मालदार और अमीर तरीन शख्स थे। अल्लाह ताला ने आपकी आजमाइश इस तरह से ली कि आपकी औलाद मकान के गिरने के सबब नीचे दबकर इंतकाल कर गई, सैकड़ों ऊंट और हज़ारों बकरियां मर गई, जबकि तमाम खेत और बागात भी बर्बाद हो गए। अलगर्स आप अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी बाकी ना रहा। जब आप अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर दी गई तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अल्लाह ताला की हम्द की और उसका शुक्र बजा लाए और फरमाया, मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया, मैं हर हाल में उसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। इसके साथ साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में मुब्तला हो गए और बीमारी इस कदर बढ़ गई कि सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने आपका साथ दिया और आपकी खूब खिदमत की। जब कई साल मुसलसल आप तकलीफ़ में मुब्तला रहे और जब आप अलैहिस्सलाम के इम्तिहान की घड़ियाँ ख़त्म हुई तो अल्लाह अज़्ज़ोजल ने आपको ज़मीन पर पाँव मारने का हुक्म इरशाद फरमाया और जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पाँव मारा फ़ौरन एक चश्मा फूट पड़ा और आपने इस पानी से गुसल किया और उसे नोश फरमाया। यूँ आप अलैहिस्सलाम को शिफा नसीब हुई, आपकी औलाद को दोबारा ज़िंदा कर दिया गया और तमाम माल और मवेशी और असबाब और सामान आप अलैहिस्सलाम को मज़ीद भराकर अता कर दिया गया। तो यहाँ पर ये बात गौर तलब है तलबा और तालिबात कि अल्लाह ताला आजमाता है, अपने प्यारों को आजमाइश में मुबतला करता है और जब बंदा उस आजमाइश पर पूरा उतरता है तो रब ताला उसे नवाजता है और पहले से ज़्यादा और बेहतर नवाजता है। यह अल्लाह ताला की मर्ज़ी कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद को दोबारा ज़िंदा किया या उन्हें दोबारा औलाद अता की, ये तमाम चीज़ें रब ताला की मर्ज़ी और मंशियत पर शामिल है। ये रब ताला की ही तकसीम है कि वो जिसे चाहे ज़्यादा दे, जिसे चाहे कम दे। अगर हम रब पर भरोसा रखते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसकी रज़ा पर राज़ी रहे, इसी वजह से हम बातिनी बीमारियों में मुब्तला होने से भी बच जाएंगे और हम सब्र जैसी नेमत को अपना कर एक रूहानी सुकून महसूस करेंगे और अपने अंदर एक रूहानी तबीयत को महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको शुक्र किसे कहते हैं, शुक्र की तारीफ क्या है और इसी के साथ साथ सब्र और शुक्र दोनों पर कलाम करूँगी। अल्लाह हाफिज़।